Assalamu alaikum, my very dear students. Today we would be discussing about the dermatomes, because dermatomes are very important that you must know where to check which part of the nerve and why. Okay, it seems a very difficult table in your book. It's fully loaded, you see, with so many of the nerves and dermatomes in it. So we will try it to make very simple to do it. Okay. Now, just concentrate on this. What dermatome it is supplied by this finger, the middle finger? अरे भाई इतनी देर नहीं लगानी, अम्मा ने गिनती नहीं सिखाई, अपनी अम्मा को बदनाम नहीं करना कि उन्होंने 1 2 3 4 5 नहीं सिखाया था. ओके करेक्ट, राइट डाउन 7 ऑन इट, लिख लो बेटा, एक बॉल पॉइंट पकड़ो और इसके ऊपर 7 लिख लो, राइट डाउन 7. अगर आपको ये आता है ना तो आपके लिए सारा जो लिम है ना दैट इज वेरी इजी. ओके अब जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ इस तरह बोलते जाओ, दिस इज 5, दिस इज 6 मिडल वॉल्स, 7 दिस इज, 8 दिस इज, T1 और जो बबल के अंदर है दिस इज T2. सो आपकी आसानी के लिए फिर रिपीट कर रहे हैं कि आपने 7 को याद रख लेना. सो 5 6 7 8 T1 बबल के अंदर T2. कोई मुश्किल बात है? बिल्कुल भी नहीं है, चलो ठीक है. अब हम लोग चेस्ट के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है. तो डॉक्टर जहीर जरा प्लीज इधर ले आइए और इसके ऊपर मैं इसको रोटेट कर देता हूँ आपकी तरफ. इसको देखें कि T4 जो है एट द निपल, निपल के लेवल पे T4 सप्लाई हो रही है. मगर ये बात इम्पॉर्टेंट है कि जब आपने ये 4 तो है मगर निपल जो है वो 5 से सप्लाई हो रही है. एरिया ऑफ निपल इज सप्लाइड बाय 5, T5. सो अराउंड दैट लेवल इज T4 मगर निपल को सप्लाई नीचे से आ रही है. सो यू कैन जस्ट सी, इसको आप थोड़ा सा इनलार्ज भी कर लें बच्चों के लिए ताकि बढ़ा लें इसको ज़रा. जी सर. ओके और एपिगैस्ट्रियम कौन सा है जहीर भाई? T7. ऊँचा बोले ना, T7 ज़िफिस्टर्नम एंड T8 इज एपिगैस्ट्रियम. T8 इज एपिगैस्ट्रियम और अम्बलाइकस इज T10. ओके फाइन. अब प्यारे बच्चों, आपकी वालदा ने सबने आपको गिनती सिखाई हुई है तो डब्बे भर लोगे बीच बीच में कि बीच में क्या है और क्या है क्या है क्या भर लोगे ना. ओके नाउ टच योर बॉडी के वेयर इज C1. हाँ यहाँ किधर इधर इधर कहाँ पर है बेटा? याद रखो कि C1 हैज नो कुटेनियस सप्लाई, नो कुटेनियस सप्लाई, नो कुटेनियस सप्लाई. ओके सो आपने C1 को डब्बों भरने में यूज नहीं करना. प्लीज कम बैक टू दिस अगेन. जॉन मैकलोड को हम लोग यूज कर रहे हैं और ये देखें ये C2 है, C3 है, C1 इज नॉट देयर. और इंटीरियर जो फेस है ये ट्राइजेमिनल के साथ सप्लाई हो रहा होता है. स्वाय एंगल ऑफ द माउथ है, जो एंगल ऑफ द माउथ है वो डर्माटोम से सप्लाई हो रहा था, अदरवाइज फेस इज थ्रू द ट्राइजेमिनल नर्व. यहाँ पे ऑप्थेल्मिक है, यहाँ पे मैक्सिलरी है और नीचे मैंडिबुलर ब्रांच है उसकी. ओके सो कोई मुश्किल बात तो नहीं लगी ना अभी तक? फाइन. अब आते हैं कि जी लिम्स, लिम्स में भी डर्माटोम है तो वो भी बहुत आसान है बेटा, कोई मुश्किल बात ही नहीं है. तो जहीर भाई अगर इधर आप इस पेज के ऊपर ले आएंगे
बेटा इस फील्ड को आपने ले लेना है। जब आप लोग नर्सरी में गए थे तो जो ड्राइंग की मैडम ने पहला आपको चीज़ सिखाई होगी, उन्होंने कहा होगा दो पहाड़ है, बीच में से सूरज निकल रहा है और यूं उसकी किरणें निकल रही हैं, यही थी या कोई और चीज़ थी? हाँ, और भी उन्होंने काफ़ी कुछ सिखाया होगा, एक एक झील है और एक दरख्त बनाना भी सिखा दिया होगा, शायद को हट बनानी भी सिखा दी हो, शायद को बीच में बतख तैरती हुई भी सिखा दी हो, मगर हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सूरज है। ओके, तो स्टे ऑन द सूरज और अब आप इधर आ जाएं, जॉन मैकलोड के मेथड्स में आ जाएं। ये इलियक क्रेस्ट है बेटा, यहाँ से आपने सूरज की किरणें निकालनी है, L1 L2 L3 L4 और L5। कोई मुश्किल बात रहेगी? सो यहाँ से दिस इज L1, दिस इज L2, दिस इज L3, दिस इज L4, और ये गौर करें कि L4 जो है वो डॉर्सम ऑफ द फुट के ऊपर नहीं आ रही है, डॉर्सम ऑफ द फुट के ऊपर क्या आ रहा है, L5 आ रही है। क्लियर हो गया? कोई मसले वाली बात? ओके फाइन। अब ये इंटीरियर साइड हमारी ख़त्म हो गई, अब हम पोस्टीरियर साइड के ऊपर आ जाते हैं। जही भाई मुझे फोकस कर लीजिए। तो अब जो पोस्टीरियर साइड है ना उसके ऊपर मेरे पीछे पीछे दोहराते जाओ, यू वॉक ऑन S1, बोलिए यू वॉक ऑन S1 एंड यू सिट ऑन S3। So on the buttocks is the S3 and on your foot is S1 and in between is S2. तो ये देख लीजिए आके सर आप डायग्राम को दोबारा, कि यू वॉक ऑन S1, यू सेट ऑन S3 एंड इन बिटवीन इज S2। और जो S3 और S4 हैं ये perineal senses हैं, 4, 5. सो 5, 4, 3, 2 एंड 1। कोई मुश्किल बात बेटा रहेगी? कुछ भी नहीं रह गया, और बाकी सब कुछ ओवरलैप है। तो ये बातें अगर आपको याद हो गई ना बेटा, अब आप लोगों को हम एक असाइनमेंट दे रहे हैं कि आप इसी जॉन मैकलोड के पेज के ऊपर आप जाइए, गई पे ज़रा कंसंट्रेट करिए। तो यू ड्रॉ दीज डर्माटोम्स, दीज डर्माटोम्स, लेग के आपने पोस्टीरियर भी ड्रॉ करने हैं और बाकी सब इंटीरियर ही कर लें तो दैट वुड बी सफिशेंट, और स्क्रोटल भी करने हैं। मगर इस ये आप लोग खुद किताब पहले अच्छी तरह पढ़ लो बेटा, और फिर इसको यू जस्ट ड्रॉ मैन लाइक दिस, ऐसे ही कोई, और उसमें आप लोग यू जस्ट मेक थिंग्स लाइक दिस, एक साइड पे आप इंटीरियर कर लो और दूसरी साइड पे आप पोस्टीरियर ड्रॉ कर लो, आधे इंटीरियर आधे पोस्टीरियर, फिर आप इसको इसके साथ मैच कर लो। अब इस फिगर में दो चीज़ें हैं बेटा, एक तो डर्माटोम्स हैं आपने ड्रॉ किए हैं, मगर अगर आप गौर करें तो ये देखें यहाँ पे इन्होंने कुछ डॉट्स लगाए हुए हैं, आ गए नज़र ये डॉट्स लगे हुए, ये सो दीज आर द टेस्टिंग पॉइंट्स के कहाँ पे आपने सेंसरी स्टिमुलस इनको देना है, दीज आर द पॉइंट्स वेयर कि आपने सेंसरी स्टिमुलस देना है। और सेंसरी स्टिमुलस हमेशा बायलेटरल देते हैं, जैसे इधर दिया है तो साथ ही इधर दिया है, इधर दिया है तो साथ ही इधर भी दिया है। सो ये चीज़ भी आपने अपनी डायग्राम के अंदर इंक्लूड करनी है कि वेयर आर द पॉइंट्स के जहाँ पे आपने मरीज़ को टच करने है, इधर करना है, इधर करना है और ऐसे करना है। सो इस असाइनमेंट को आप मुकम्मल कर लीजिए, इसके बाद फिर हम आपसे एक और बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।